morning, you guys. So this is the view from our room. It is so pretty. मतलब अभी 7:30 बजे and you can already see के अच्छी खासी sunlight आ गई है. तो यहाँ पे actually sunrise बहुत जल्दी हो जाता है. And look at this pretty kitten. कितना आराम से सो रही यहाँ पे chair पे बैठ के. Wow, she's so cute. कल पूरा दिन वो यहाँ पे ही रही थी. लाइक वो वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे ही वो बैठी थी. तो अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट करके आएंगे. और हमने फिर स्कूटी रेंट करने के लिए भी बात कर ली है. तो दे आर चार्जेस लाइक दे आर कोटिंग 600, बट हमने 500 बात की है. तो यहाँ पे यूजुअल रेट इज़ 400-500, बट आई थिंक अभी सीजन की वजह से 500 है. तो हम लोग स्कूटी रेंट करेंगे और आज का दिन हम लोग पूरा हैवलॉक आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं. मे बी विल गो टू राधापुर बीच. राधापुरी बीच नाम है ना शायद. तो हाँ, हम लोग शायद उधर जाएंगे. और अगर टाइम मिला या तो अगर वेदर अच्छा रहा, मतलब गर्मी कम लगी, तो हम लोग शाम को कोई और बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो अभी तो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे एंड देन विल गेट रेडी. हमारा जो रिसोर्ट है वहाँ से कुछ ये राधा नगर बीच है, वो 25 मिनट जितना कुछ था. तो हम अभी राधा नगर बीच के एकदम नज़दीक में एक व्यू कैफ़े करके है. यहाँ पे एक्चुअली एक रिसोर्ट भी है, तो बस ये उन्हीं का कैफ़े है. तो बस हम लोग यहाँ पे अभी लंच करने के लिए आए ना, क्योंकि बहुत धूप है बाहर, गर्मी है. मतलब आपको बीच में नहीं लगेगी बट एक्चुअली गर्मी है. तो हमने सोचा है हम लोग यहाँ पे एक डेढ़ घंटा मतलब थोड़ा टाइम पास कर देंगे, लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग राधा नगर बीच जाएंगे. हम लोग बस अभी राधा नगर बीच पहुंच गए. एक्चुअली यहाँ पे अभी गर्मी है, तो अभी 3:15 के अराउंड हुआ है. आई थिंक आधे घंटे के आसपास थोड़ा बेटर हो जाएगा वेदर. तो टाइड्स की आवाज़ लिटरली यहाँ तक आ रही, इतनी अच्छी टाइड्स है वहाँ पे. तो पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा सही था. यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम्स भी मिल जाते हैं, दे आर इको फ्रेंडली, वॉशरूम्स भी है, सो नथिंग टू वरी. और यहाँ पे दिख रहा है कि शेक्स भी रखे हुए हैं. It's time for some नारियल पानी. मतलब कितना क्लीन है, ओ माय गॉड. और वेदर बहुत मस्त है, तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे. और शायद अभी सनसेट होने को है, बस थोड़ी देर और. एंड यू कैन क्लियरली सी के पानी कितना ज़्यादा मस्त है, एकदम ड्यू और सैंड क्लियरली डिफरेंस दिखता है. सो वी एंजॉयड इट अ लॉट. OMG, डिड यू सी दैट वेव? एंड राज इज एंजॉयिंग अ लॉट. Later. भाई मैं शांति से चला रहा हूँ, बीच में बोल रही हूँ. मैंने बता के बोला कर. As I said yesterday कि हम लोग यहाँ पर ही आपको मिलेंगे डिनर के लिए.
बट आज तुम्हारी इच्छा थी इसलिए है, मेरी इच्छा के लिए तुम्हें दाल फ्राई राइस खाने थे, मेरे को नहीं। हाँ वो है, बट वही हम लोग आज भी यहाँ पर ही है। मॉर्निंग, सो टुडे इज डे 2 इन हैवलॉक एंड डे 3 इन अंडमान। तो आज हम लोग जल्दी उठ गए क्योंकि आज राज गया है स्कूबा डाइविंग के लिए। तो इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अगर आप जल्दी जाते हैं तो आपको अच्छा, मतलब जो अंडर वाटर लाइफ है वो अच्छे से देखने मिलेगी, सारी फिशेज एंड ऑल। तो आज जल्दी चला गया। एक्चुअली हमारा प्लान था कायाकिंग जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी 4-5 दिन के बाद फुल मून है, तो अभी मून अच्छा खासा दिखता है, तो उसकी वजह से जो कायाकिंग होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है। तो वो फुल मून के टाइम मून की लाइट की वजह से आपको वो जो जुगनू जैसा होता है ना वो अच्छे से नहीं दिखता। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि अगर आप देखना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली सी, बट इतना अच्छा नहीं दिखेगा, लाइक कम क्वांटिटी में दिखेगा और थोड़ा लाइट दिखेगा। सो हमने बोला कि भाई चलो ठीक है, फिर छोड़ देते हैं वो। तो अगर आप लोग अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड इफ़ इट इज़ अराउंड नो मून, तो आपको बहुत अच्छे से जुगनू दिखेगा और वो सिर्फ और सिर्फ हैवलॉक आइलैंड पे ही होता है। तो उसके भी चार्जेस कुछ 2,000-2,500 समथिंग है फॉर 2 पीपल, वो आप डेफिनेटली बार्गेन करवा सकते हैं। तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं सुबह से बस यहाँ पे बीच साइड जाके बैठी थी एंड आई एड सम क्लिप्स। बहुत मस्त सीन था और इतनी शांति है बीच साइड यहाँ पे। तो बस मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करके हम लोग देखेंगे फिर क्या करना है। सो या विल सी यू आफ्टर सम टाइम। आफ्टरनून गाइस, तो अभी हम लोग पूल जाकर आए, पूल में बहुत मज़े किए। एक्चुअली प्लान आज ये था कि हम लोग एलिफेंट बीच जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नहीं जा सके क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी और प्रेग्नेंट लेडीज़ को लाइक 5-6 मंथ के बाद वो लोग अलाव नहीं करते, विच इज़ सेफ फॉर एवरीवन। तो हम लोग एक्चुअली गए थे वहाँ पर वापस आ गए, बस फिर इसी रीज़न से हमने पूल में थोड़े टाइम चिल किया। और हाँ, फेरी का जो टाइम है वो दोपहर के 1 बजे तक ही है, तो अगर आप एलिफेंट बीच जाना चाहते हैं फॉर दैट वाटर एक्टिविटीज़, तो प्लीज़ 1 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाइए। 1 बजे के बाद एक भी फेरी नहीं है जाने के लिए। सो या ये चीज़ हमें नहीं पता थी। हम लोग 12 बजे, हमने बस ऐसे ही एक लोकल बंदे से पूछा और उसे बताया कि भाई फेरी का टाइम 1 बजे तक का ही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बात शेयर कर लूँ। तो अभी हम लोग बस बीच साइड जाएंगे, थोड़े बहुत फोटोज़ खींचेंगे और टाइम पास करेंगे। सो कम ऑन लेट्स गो। ड्रोन के जो शॉट आए हैं ना पूल में, बहुत मस्त है। आई एड ऑल द क्लिप्स हियर। Look at this beauty.
OMG बीच देख रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि बस पूरा टाइम यहाँ पे फोटोज खींचते रहे हम लोग. इट्स ब्यूटीफुल. और बीच इतना नज़दीक है और इतना मस्त है, पानी भी अच्छा गर्म है, वेदर बहुत मस्त है. अभी तो अभी सनसेट हो चुका है, यू कैन क्लियरली सी कि कितना ज़्यादा लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं. वाह क्या सीन है. जो कैमरा है ना वो जस्टिस नहीं कर पाता, बट बहुत मस्त लग रहा है. ये लिटरली हेवनली फीलिंग है यहाँ पे. दिस इज ब्यूटिफुल, लाइक दिस इज सो गुड. आई एम ट्राइंग टू कैप्चर कि आपको मैं पूरा दिखा सकूं. दिस इज ब्यूटिफुल, लव्ड इट. हाय गाइस, तो अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू अ कैफ़े विच इज़ समथिंग डिफरेंट. तो उनका बेस्ट पार्ट है कि दे प्रोवाइड फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी. तो हमें एक्चुअली यहाँ का नाइट लाइफ, मतलब रात के टाइम पे कहीं जाना था, तो हमने सोचा कि भाई दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. यहाँ पे ये वाला कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस है. सो विल गो एंड विल सी कि भाई कितना डिफरेंट है वो. सो दैट कैब इज़ हियर नाउ, सो वी आर गोइंग, लेट्स सी इफ इट्स वर्थ द हाइप. तो हम बस 5-10 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच गए एंड दिस इज़ द प्लेस. दिस इज़ बीच साइड कैफ़े. तो बस अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कैसा है. और इसका जो अंदर आने का रास्ता है ना, वो थोड़ा गड़बड़ वाला था, मतलब इट वॉज वेरी बम्पी सॉर्ट ऑफ. या एंड दिस इज़ द कैफ़े. वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की. This is very unique and innovative idea and this is really different. आज इतनी अच्छी जगह पे लेके आए, वो वीडियो नहीं शूट करेंगे. दो दिन वो आओजी खाओजी में खिलाया, मेरे को इतना बदनाम कर दिया इन्होंने. So they are really different. तो उन्होंने पहले ही हमारा एक फोटो खींचा और फिर ये फ्रेम बना के भी दे रहे हैं लोग. तो बहुत सही चीज़ है यार.